कल हमने भगवान जागेश्वर का दर्शन किया। यहां के लोगों की श्रद्धा के अनुसार ये नागेश्वर है। नागेशम दारुका बने के भावना से वो लोग, यहाँ के लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ मुख्य ज्योतिर्लिंग एक से अधिक स्थान में माने गए हैं, लेकिन महादेव वैसे देखा जाए तो सर्वव्यापक है, महादेवमय है ये सृष्टि। महादेव कहाँ है ये प्रश्न नहीं, महादेव कहाँ नहीं है, महादेव का रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, सब लोग ये नहीं जानते। इसलिए पुष्पदंत भी कहते हैं, तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, मैं आपके तत्व को नहीं जानता, आपका स्वरूप क्या है मुझे ज्ञान नहीं, प्रभो आप जैसे भी हो आपको नमस्कार, आपको नमन, हम आपके प्रति समर्पित हैं, हम आपको भज रहे हैं। यह संपूर्ण प्रकृति पार्वती स्वरूपा है, जिसकी गोद में हम खेल रहे हैं, जिस प्रकृति रूपी पार्वती से ही हमें ये शरीर मिला, जो प्रकृति रूपी पार्वती माता अन्नपूर्णा बनकर के हमारे इन शरीरों का पोषण करती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मां पार्वती सबकी मां है, पिता हमारे महादेव है। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तुलसीदास जी कहते हैं, वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।